यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रतिबंधों और रक्षा सहयोग के बारे में बातचीत की। इस दौरान कीव पर रूसी फौज के हमलों के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने का प्रस्ताव दिया, जिसे यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर काफी तेजी से फैल रही है कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो कीव छोड़कर जा चुके हैं, जिसके तहत व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर ये बताया है कि वो कीव छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो कीव में ही हैं। और ये भी कहा है उन्होंने कि वो कहीं नहीं भागेंगे बल्कि रूस का मुकाबला डट कर करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस जब जब हमला करेगा वो कहीं नहीं भागेंगे बल्कि हर बार उनका सामना करेंगे। सोशल मीडिया पर युद्ध के दौरान व्लादिमीर जेलेंस्की की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई हैं। और इसके साथ ही उन्होंने लोगों को अपील की है कि वो इस तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें और वो कीव में ही हैं, हमेशा रूस का सामना करेंगे। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава Україні!